बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ हुए ऐसे दो किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और आपको भी बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो को कृपया यहीं बंद कर दें क्योंकि यह केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। माधुरी पद्मश्री भी हैं। एक बेहतरीन कलाकार से बढ़कर वह एक बेहतरीन इंसान हैं। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक फिल्म में काम करने के लिए महिला कलाकार के तौर पर सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरू शुरू में बिना मेकअप के माधुरी खूबसूरत नहीं दिखती थी। मेकअप आर्टिस्ट पंडरी जोकर बताती हैं कि सुभाष घई ने कर्मा फिल्म के एक गाने के लिए माधुरी दीक्षित को लिया था, लेकिन जब उन्होंने माधुरी दीक्षित को देखा तो उन्होंने सुभाष घई को कहा कि इस लड़की के नए नक्श सुंदर हैं, तुम इसे हीरोइन क्यों नहीं ले लेते। सुभाष घई ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि ये लड़की बहुत साधारण है, मुझे इसमें हीरोइन वाला चार्म दिखाई नहीं देता। सुभाष घई ने कहा कि तुम इसकी सिफारिश इसलिए कर रही हो क्योंकि यह तुम्हारे महाराष्ट्र की है। तब आर्टिस्ट पंडरी जोकर ने सुभाष से आधे घंटे का समय मांगा। जब पंडरी जोकर ने माधुरी का मेकअप किया और सुभाष के सामने पेश किया तो सुभाष घई हैरान रह गए। माधुरी को देखते ही उन्होंने कर्मा फिल्म का वो गाना हटा दिया और अपनी अगली फिल्म में उन्होंने माधुरी दीक्षित को लीड हीरोइन का किरदार दे दिया। आमिर खान के साथ दिल, सलमान खान के साथ हम आपके हैं कौन, तो शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है जैसी कामयाब फिल्में दे चुकी माधुरी दीक्षित ने अपने समय के तमाम बड़े एक्ट्रेस के साथ काम किया है। मधुबाला की तुलना कई बार माधुरी दीक्षित के साथ की गई। माधुरी दीक्षित भी अपनी तुलना मधुबाला से होने पर खुद को धन्य मानती हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने माधुरी दीक्षित को पूरे बॉलीवुड में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यह बात है माधुरी दीक्षित की एक फिल्म के दौरान जब वह एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें एक ऐसा सीन करना पड़ा जिसके बाद वह एकदम से डर गई थी और कुछ समय तक चुपचाप ही बैठी रही थी क्योंकि उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विनोद खन्ना की नियत में कुछ खराबी नजर आ रही थी और वह शूट को एक बार में ही खत्म करना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें वह सीन बार बार शूट करना पड़ा जिसके बाद वह काफी असहज महसूस कर रही थी। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज फायदा उठा रहे थे और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने यह सीन फिल्म में रखा और बार बार रिटेक करवाया। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद को डांटते हुए उनसे दूर रहने के लिए कह दिया था। गौरतलब है कि इसी सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी के बीच खटास पैदा हो गई और उन्होंने दोबारा उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं की। आइए अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के दूसरे शर्मनाक किस्से के बारे में। दोस्तों हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। सिनेमा के इतिहास में अनगिनत ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानकर आज भी हैरानी होती है। इन्हीं में से एक किस्सा है माधुरी दीक्षित का, जब वे एक रेप सीन से डर गई थी। जी हां, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित 1989 में फिल्म प्रे प्रतिज्ञा में नजर आई थी और इसी फिल्म के एक रेप सीन के मामले में वो बुरी तरह से सहम गई थी। आखिर मामला क्या था, चलिए बताते हैं। दरअसल बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1989 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और विलन के रूप में रंजीत थे। जब विलन के रूप में रंजीत हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि माधुरी का डरना भी जायज ही था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इसी फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। माधुरी दीक्षित को जब डायरेक्टर ने इसके बारे में बताया तो वह सहम गई। हालांकि कहानी के मुताबिक रेप सीन की जरूरत भी थी और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। वैसे रंजीत की छवि एक खूंखार विलन की थी और माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन। जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो माधुरी दीक्षित डरी हुई थी और उन्होंने विलन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी के साथ जबरदस्ती की थी और वो तय की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गए थे। रंजीत काफी हावी हो गए थे और वो अपना आपा खो चुके थे जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को पूरी ताकत के साथ उन्हें खुद से अलग करना पड़ा। और ऐसा दावा किया जाता है कि इस दौरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था, तब जाकर वो दूर हटे। 80 के दशक की ये घटना आज भी माधुरी दीक्षित को डराती है। वो ऐसा दौर था जब माधुरी ने फिल्म इंडस्ट्रीज में सही से अपनी जगह भी नहीं बनाई थी। तो दोस्तों रंजीत और विनोद खन्ना की इस छिछोरी हरकत के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।